को ने ली 30 की जान और 100 से अधिक घायल। सिटीज अक्रॉस इंडिया हैव इंडियन मुजाहिदीन हैव टेकन द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ब्लड। ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 22 राउंड फायर किए जिसमें दो टेररिस्ट मारे गए। तुम्हारे बारे में सबको एक बात और मालूम है, तुम भी हमेशा अपने ऑर्डर्स फॉलो करते हो। हरी स्ट्राइक की वजह से जनाजा निकले। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की अपकमिंग मूवी सिंघम 3 के बारे में। तो दोस्तों साल 2011 में रिलीज की गई थी सिंघम, तो आपको याद ही होगी, जिसमें अजय देवगन एक पुलिस वाले के किरदार में नजर आए थे। मूवी में अजय देवगन एक्शन और डायलॉग को फैंस ने खूब पसंद किया था और साल 2014 में मूवी का सेकंड पार्ट देखने को मिला था, जिसमें अजय देवगन करीना कपूर के साथ नजर आए। और अब 8 साल बाद खबरें निकल कर आ रही हैं कि मूवी के तीसरे पार्ट पर जल्दी ही काम स्टार्ट हो सकता है। बीते दिनों में डायरेक्टर रोहित सेठी ने बताया सिंघम 3 2023 में अप्रैल में काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इस न्यूज को सुनकर फैंस भी खूब एक्साइटेड नजर आ रहे थे। और अब रोहित सेठी ने कंफर्म कर दिया है मूवी में सलमान खान भी नजर आने वाले हैं। और साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि सिंघम 3 में अजय देवगन के साथ साउथ के सुपरस्टार सूर्या भी नजर आ सकते हैं और सिंघम पार्ट 3 में आपको करीना कपूर देखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों इस बार अजय देवगन के साथ फीमेल पुलिस भी एक्शन अंदाज में नजर आने वाली हैं। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो इस बार अजय देवगन मूवी में आतंकवादियों से भिड़ते हुए नजर आएंगे और साथ ही मूवी में पहले से ज्यादा एक्शन और VFX देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रॉयल सिटी बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर में से एक है और उनकी हर एक मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहती है। और बात करें मूवी की रिलीज डेट की, तो मूवी 2024 के लास्ट में सिनेमा घरों में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप सर सलमान खान, अजय देवगन और सूर्या को एक साथ एक्शन अवतार में देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं?